सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो गाइज हम बनाने वाले बुक्स पे, क्योंकि अभी हमारा MBBS का एडमिशन प्रोसेस भी हो गया और सबको कॉलेज भी अलॉट हो गया होगा। सो आज MBBS की बुक्स के बारे में बताऊंगा आपको। और गाइज अभी MBBS की बुक्स के लिए सभी एक्साइटेड होंगे आप सब। सो इसके लिए गाइज एक वेबसाइट है स्पेशल लिबजेंस, मतलब लाइब्रेरी जेनेसिस वेबसाइट है। सो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको MBBS के सारे बुक्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैंने भी कुछ डाउनलोड किए वैसे, जो भी मुझे पता था। सो इसलिए आप भी डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे कि जो भी MBBS की बुक्स है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नेम लिख दूंगा कि कौन सा एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के लिए कौन सा बुक है, सो आप देख सकते हो। और जनरली फॉरेन ऑथर्स के बुक्स है वही आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि जो हमारे इंडियन ऑथर्स है उनको उनके जो बुक्स है वो आप डायरेक्ट परचेस कर लो, और जो फॉरेन ऑथर्स है उनके आप PDF में अपने टैब में या अपने लैपटॉप में रीड कर सकते हो। क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट, मतलब 14th of Feb में NMC का नया अपडेट आया कि वह तब से कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। सो जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, जब आप कॉलेज में जाओगे तब आप बुक्स ले लो, अभी फ़िलहाल PDF फॉर्मेट में ही रीड करना स्टार्ट कर दो। सो ये सबसे पहले आप क्रोम ओपन करो और क्रोम में टाइप करो लाइब्रेरी जेनेसिस टाइप कर लो, एंड देन ओपन दिस फर्स्ट लिंक, एंड ये आ गई इज आपकी वेबसाइट। और यहाँ पे आप जो भी आपको बुक चाहिए वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप बुक्स का नाम टाइप करो, ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट। और यहाँ पे गाइस आप ईयर भी देख सकते हो कब है। सो सबसे लास्ट आना 2020, ये लेटेस्ट होगा। सो यहाँ पे इस बुक पे क्लिक करना एंड देन आपको आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्लिक करना गाइस, देन लिबजेन यहाँ पे, और फिर आ जाएगा ऑप्शन गेट, और इस गेट पे क्लिक करना। सो आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी PDF आपकी। और वैसे कि मैंने कोई बुक्स कंपेयर नहीं किया कि कौन सा अच्छा है, वो हम आगे करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक कौन सा बुक रीड ही नहीं किया। सो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। सो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि उन्होंने कौन सा यूज़ किया था। सो उनको पूछो और वही PDF डाउनलोड कर लो और वही रीड करो। वैसे एनाटॉमी के लिए तो ग्रेज एनाटॉमी वन ऑफ द बेस्ट है, सभी वही यूज़ करते हैं। एंड BD चौरसिया एनाटॉमी के लिए क्रॉस एनाटॉमी, और वो बुक्स गाइज आप परचेस कर लेना BD चौरसिया का। जनरल एनाटॉमी का बुक ले लिया वैसे, हैंडबुक है वो सिंपल। मैं गाइज बुक्स जब मैं कॉलेज जाऊंगा तभी लूँगा सभी, फिलहाल अभी तो PDF फॉर्मेट हमारे लैपटॉप में मैंने डाउनलोड कर लिया है सभी। सो आप भी वैसे ही करना, आप कॉलेज जब जाओगे तभी, नहीं तो मैं यहाँ से अकोला से जाऊँगा मेरे कॉलेज तो वो बुक्स भी मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा, सो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और PDF फाइल में गाइस आप उस पर लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। सो आप देखो आप क्या करते हो। वैसे गाइस मुझे यही अपडेट देना था आपको, क्योंकि मैंने बुक्स PDF डाउनलोड कर लिया सभी। सो आप भी कर लो, आप भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और फिलहाल गाइस अभी हम हमारा व्लॉग स्टार्ट कर देते, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग तो बहुत ही पसंद है। मैं तो बस एक अपडेट देना चाहता था, क्योंकि मैंने वो बुक्स डाउनलोड कर ली। सो होप आप सभी भी कर लो। सो फिलहाल अभी हम हमारा व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो अभी व्लॉग देखो हमारा। सो हेलो एवरीवन, अभी फिलहाल 5 बज गए और हमने वैसे सुबह ही शूट किया था, 11 बजे शूट किया था मैंने वो, कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो MBBS की बुक्स। और अभी हम व्लॉग शूट करेंगे हमारा। और वैसे कैसे मैंने मतलब PDF फाइल की है मेरे लैपटॉप में। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं वो बुक्स, एक बार आप भी देख। सो गाइस ये है मेरा लैपटॉप, और यहाँ पे मैंने सभी PDF फाइल MBBS की हुई है डाउनलोड। सो ये गाइज MBBS की बुक्स, ये BD चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी, और ये गाइडेंस एंड हॉल फॉर फिजियोलॉजी, के सिम्बुलिंगम फिजियोलॉजी के लिए, और फिर ऐसे ही लैंगमंस और हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। तो सारे बुक्स मतलब मैंने किए डाउनलोड। सो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ गाइडेंस एंड हॉल का फिजियोलॉजी का बुक। सो गाइज गाइडेंस एंड हॉल मेडिकल फिजियोलॉजी। और कैसे ऐसा ही बुक गाइडेंस एंड हॉल।
ये ऐसे ही आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ फाइल्स और उसको थोड़ा रीड भी कर सकते हो। मतलब जितना मैंने रीड किया है वैसे तो इतना तो मतलब हमारा जो नीट का बेस है वो बस MBBS के लिए एक टीजर है, मतलब एक ट्रेलर है। जो हमारी नीट की जो स्टडी थी वो बस एक ट्रेलर है MBBS के लिए। और MBBS गेज बहुत ही वास्ट है, बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, मिनिमम 15 आवर्स 16 आवर्स और बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो देखते हैं, अभी फ़िलहाल कॉलेज स्टार्ट होने दो, अभी सुबह हम भी पढ़ेंगे। और अभी तो मैं वैसे बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेशनरी की शॉप पे भी जाना है और वहाँ पे मुझे पेन पेंसिल, क्योंकि मैंने अभी तक सिस्टर का यूज़ किया है, सो अभी फ़िलहाल मैं पेन पेंसिल हाइलाइटर, हाइलाइटर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सो मैं सब शॉप करूँगा अभी। और मंदिर में भी जाएंगे क्योंकि आज मंडे है, सो वहाँ पे भी जाएंगे। अच्छा मंदिर है यहाँ पे गजानन महाराज का, कल भी गया था वैसे मैं, आज फिर से जाएंगे। ब्लॉग भी शूट होगा हमारा अभी, सो चलते हैं वहाँ पे भी। सो फिलहाल तो शॉप पे जाएंगे अभी। सो फिलहाल गाइस अभी हम चलते हैं सामान लाने के लिए बाहर। तो फिलहाल के अभी यहाँ पे दर्शन कर लिए वैसे हमने, अभी हम जाएंगे शॉप पे दूसरे वाले। और फिलहाल के अभी हम घर पे वापस आ गए वैसे, और हमने शॉप भी किया कुछ, क्योंकि पेन पेंसिल हाइलाइटर सब कुछ लाया वैसे मैंने। और ये रहेगा इस मेरी शॉपिंग, वैसे मैंने हाइलाइटर्स लाए और ये स्टिकी नोट्स, और ये वैसे मेरे सिस्टर के प्रैक्टिकल्स लिख रहा हूँ वैसे मैं, क्योंकि वो अभी 11th में है। और ये जो 11th के जो बच्चे उनके लिए प्रैक्टिकल्स भी होते हैं कॉलेज के, सो वो मेरे सिस्टर के मुझे लिखने पड़ रहे हैं वैसे, क्योंकि मुझे कुछ काम तो है नहीं, सो अभी मैं लिख रहा हूँ वैसे वो। और फिलहाल मैंने कंप्लीट भी कर दिए, बस अब फिशरी का रह गया और फिजिक्स का रह गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने कंप्लीट कर दिया। सो ऐसे में चल रहा है, मेरी पढ़ाई भी चल रही है वैसे इन दिनों में। सो फिलहाल आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने MBBS के बुक्स के बारे में आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे वैसे, एजुकेशनल बनाएंगे थोड़ा थोड़ा, और व्लॉगिंग भी हमारी चलती रहेगी वैसे। सो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी करना और हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना। मेन हमारे गाइस मिनिमम 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, सो करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, के लिए।